हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि मनुष्य, उसके बाद है दोस्तों वनस्पति और गाय, इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा दोस्तों, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और भी प्रश्न है, देखिए दर्पण प्रतिबिंब याद करें, इस फिगर को मिरर जब दर्पण में देखेंगे दोस्तों कैसा दिखाई देगा, यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया है। और भी प्रश्न है, देखिए जैसे 6 का संबंध लिखा है दोस्तों, यहाँ पर 600 E 222, उसी प्रकार से 7 का संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके के प्रश्न के बारे में स्टूडेंट बताएंगे दोस्तों, अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं, टोटल 16 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 443 है दोस्तों, जिसने पार्ट 442 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में सारे पार्ट देख लीजिए, वहां पर सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो SSC के एस्पिरेंट हो, बैंक, रेलवे, CGL, LP टेक्नीशियन, UPSI, DFCCR, UP पुलिस, MTS, CSSL, CPU, SSC, GD, CISF, UKPSC, DSSB, CTET, IB, SSC, स्टेनोग्राफर, DRDO, यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, GD, बैंक, PO, क्लर्क, ग्रुप D, NTPC, RPF, आर्मी, SSB, ITBP, CRPF, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। और इन सभी क्वेश्चनों का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट, अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया थी। देखिए जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों हम लोगों के सामने कि विटामिन ए का संबंध जिस प्रकार से गाजर लिखा है, तो उसी प्रकार से विटामिन सी का संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए बताते हैं दोस्तों कि कैसे इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा, क्या करने से आंसर निकल सकता है। तो देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से, यानी कि विटामिन ए जो है हम लोगों का किस में मिलता है दोस्तों, गाजर में मिलता है, तो उसी प्रकार से विटामिन सी हम लोगों का किस में मिलता है दोस्तों, तो संतरा में मिलता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया है, तो तरीका को समझ लीजिए, जिस प्रकार से विटामिन ए का संबंध दिया है गाजर, तो उसी प्रकार से विटामिन सी किससे हो जाएगा, संतरा से हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी संतरा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न की दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि श्रृंखला को पूरा करें एक सीरीज है, और ये देखिए यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट इस सीरीज को गलती कर रहे हैं, हो ही नहीं पा रहा है बहुत सारे स्टूडेंट्स। चलिए बताते हैं कि कैसे कीजिएगा इस प्रश्न का आंसर, उसने क्या किया है और कैसे किया है। तो यहां पर हम बताते हैं कि किस प्रकार से होगा। ये देखिए जैसे यहां पर लिखा है दोस्तों 5, उसके बाद है 8, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने 13, और इस जगह पर एक क्वेश्चन मार्क, फिर हम लोगों के सामने 34, उसके बाद है हम लोगों का यहाँ पर लिखा है दोस्तों 55, उसके बाद इस जगह पर क्या लिखा है दोस्तों 89 लिखा है। तो चलिए बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा और क्या करने से हम लोगों का आंसर निकल सकता है। तो देखिए उसका लॉजिक को समझिए, उसने क्या किया है, जैसे यहाँ पर देखिए 5 प्लस 8 कर दीजिएगा दोस्तों, तो आपका कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो कौन सा 13 का आप बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो 13 लिखा है, उसी प्रकार से देखिए इस जगह पर फिर क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जैसे हम लोगों का 13 आ गया, तो इस जगह पर जैसे 13 प्लस ऐसा क्या कर दें, हम लोगों के सामने क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, जो कि हम लोगों के सामने क्या हो जाए, बराबर देखिए उसने क्या लिखा है, 34 लिखा है। तो देखिए बेसिक बात को समझना होगा, रटने से नहीं होगा, यानी इन क्वेश्चन मार्क के जगह जो इस जगह पर क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, क्या रखने से हम लोगों का, ये देखिए यहां पर क्या लिखा है दोस्तों, उसने 34 लिखा है, तो 34 कर दिया। देखिए किस तरीके से सीरीज दिया गया, यानी जैसे 8 और 5 इसको जोड़े तो आपका कितना हो रहा है, 13 हो रहा है, तो उसी प्रकार से 13 में आखिर क्या जोड़ देंगे दोस्तों, जो 34 हो जाए, तो इस जगह पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर जैसे ही आप 21 रख दीजिएगा, तो देखिए 13 21 क्या हो जाएगा, हम लोगों का 34 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए जैसे इसको ले लिया, तो अब क्या लेंगे दोस्तों, 34 और 55, एकदम सीरीज हम लोगों का फॉलो कर चुका है, यही सीखना था कि 34 और हम लोग क्या जोड़ देंगे दोस्तों, 55, जैसे ही जोड़ जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 89 हो जाएगा। देखिए सीरीज किस तरीके से एकदम लेटेस्ट पैटर्न पर दिया गया है कि सर उसने 8 और 5 को जैसे लिया तो यहाँ पर 13 आया, उसी प्रकार से इन 13 और क्वेश्चन मार्क को क्या जोड़ेंगे, जो 34 हो जाएगा, तो आप समझ रहे हैं कि जैसे ही 21 रख देंगे 34 हो जाएगा, फिर 34 और इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अगला, यानी जोड़
जोड़कर आगे सीरीज को बढ़ाया था, हमने बता दिया यहाँ पर कि 5 और 8 जोड़ेंगे तो ये वाला 13, फिर 13 और क्वेश्चन मार्क के जगह क्या रख देने से 34 हो जाएगा, तो 21 रख देने से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा है दोस्तों, TCS और भी अलग अलग एजेंसी जो है इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, फिर भी डाउट होता है नहीं समझ पाते हैं तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट, तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि मनुष्य है, वनस्पति है और गाय है, तो इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा दोस्तों, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया। तो चलिए एक बार लॉजिक लगाइए कि क्या इस प्रश्न का आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने, अगर देखा जाए कि इस जगह पर क्या हो जाएगा, मनुष्य हो जाएगा। तो देखिए मनुष्य का डायग्राम क्या बनेगा दोस्तों, अलग बनेगा। उसी प्रकार से क्या है दोस्तों, वनस्पति है, तो इस जगह पर हम लोगों का क्या लिखा जाएगा, वनस्पति लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से क्या बना देंगे दोस्तों, वनस्पति बना देंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर गाय है, तो गाय को क्या कर देंगे दोस्तों, अलग कर देंगे। तीनों का डायग्राम अलग अलग बनेगा, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट वेन आरेख वेन डायग्राम वाले प्रश्न अलग अलग टाइप के हमने करा दिया है, तो जाके चैनल पे सारे पार्ट आप स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों, पार्ट 1 से एकदम हर टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखिए अगला प्रश्न देखिए एनालॉजी यानी सदृश्यता से दिया है दोस्तों, अलग अलग टाइप। देखिए आप जानते हैं कि एक चैप्टर में बहुत टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो हमने हर एक टाइप के क्वेश्चन हर एक चैप्टर यानी के करवाते जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे 6 का संबंध लिखा है 222, तो 7 का संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए बताते हैं कि यहाँ पर कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। यहाँ पर जैसे उसने लिखा है सर कि 6 का संबंध आखिर कैसे 222 दे दिया, उसी प्रकार से इन समानुपात का चिन्ह दिया है, और इस जगह पर कह रहा है कि 7 है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए लॉजिक बताते हैं कि क्या करने से इस प्रश्न का आंसर आप कर सकते थे, कि 6 अगर बहुत छोटा नंबर से बहुत बड़ा नंबर हो रहा है दोस्तों, तो या तो उसने क्या किया होगा, स्क्वायर किया होगा, या तो क्यूब किया होगा। तो देखिए जैसे यहाँ पर देखा जाए कि उसने क्या किया दोस्तों, 6 का हम लोग क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। तो जैसे ही 6 का क्यूब प्लस क्या कर दिए दोस्तों, 6 कर दिए, तो 6 का क्यूब हो जाएगा 216 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, 6। तो जैसे ही जोड़ दीजिएगा आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, 222 आ जाएगा। उसी प्रकार से हम लोगों के सामने 7 का निकालना है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, 7 का क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, प्लस क्या कर देंगे, 7 कर देंगे। तो 7 का क्यूब क्या हो जाएगा, 343 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। तो जैसे ही इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों के सामने, इसको जोड़ देते हैं, यानी कि 343 और 7 जोड़ दीजिएगा तो आपका 300 कितना हो जाएगा दोस्तों, 50 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही हो जाएगा। तरीका को देख लीजिए, समझ लीजिए कि किस तरीके से यहाँ पर किए, उसने क्या किया है, क्यूब का मतलब होता है घन, यानी कि जैसे कहेगा कि 7 का क्यूब आप कैसे कह दिए 343, तो यहाँ पर 7 × 7 × 7 करना होगा, यानी क्या बार, तो 3 बार करना होगा। उसी प्रकार 5 का क्यूब कहेगा तो 5 × 5 × 5, जैसे 6 का क्यूब तो 6 × 6 × 6 3 बार किए, तो क्या हो जाएगा 216। इस तरीके से लॉजिक लगाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कई बार अलग अलग डायग्राम में पूछा गया इस तरीके का प्रश्न, आपने देखा होगा या बहुत बार पूछा गया है। कह रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, यानी इस फिगर को मिरर में देखेंगे दोस्तों, यानी एक दर्पण लगा दिया है, तो वहां पर देखने के बाद कैसा दिखाई देगा। आप जानते हैं कि दर्पण में दाएँ हाथ देखने के बाद बाएँ हाथ दिखता है, और बाएँ हाथ देखने के बाद दाएँ हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए इस फिगर को जब मिरर में देख लेते हैं कि कैसा दिखेगा और कैसा बनेगा हम लोगों के सामने। ये देखिए यहाँ पर मिरर लगा दिया, क्या हो जाएगा दोस्तों, पार्श्व बनेगा, यानी कि इस साइड से हो जाएगा और इधर से और इधर से। उसी प्रकार से ये वाला किधर से हो जाएगा दोस्तों, इस साइड से होगा, तो ऐसा बनेगा, यानी ये नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, बस देख लीजिए किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर होगा, यानी एक तरह का पार्श्व प्रतिबिंब बनना चाहिए, तो पार्श्व ऑप्शन नंबर बी में बन रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लुप्त संख्या वाले प्रश्न, कई बार अलग अलग टाइप क्वेश्चन करवा चुके हैं, करें लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, वहाँ पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, तो चलिए बताते हैं कि कैसे कीजिएगा, क्या करने से आंसर निकल सकता है। ये देखिए जैसे कि आखिर क्या करें, इन दोनों नंबर को दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो बीच वाला ब्रैकेट में लिखा, उसी प्रकार से इन दोनों नंबर को क्या करें, उसी प्रकार से इन दोनों नंबर को क्या करें, जो कि हम लोगों का एक लॉजिक बैठ पाए। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा,
तो देखिए चला है दोस्तों किधर से, ई साइड से चला, और क्या क्या इधर लॉजिक को समझेगा, उसने कर दिया 28 और प्लस क्या कर दिया दोस्तों 65, तो जैसे ही जोड़िएगा 28 और 65, और तो हम लोगों के सामने कितना हो जा रहा है, तो 8 5 13 करीब 3 हासिल रहा, 1 6 2 8 1 9 तो 93 हो जाएगा, और यही 93 में आपको क्या करना होगा दोस्तों, 3 से क्या कर देना होगा, भागा कर देना होगा। तो ये 3 कहाँ से आया, कैसे आया, तो अपने मन से लाए, क्यों, क्योंकि हमको किसी भी तरीके से एक लॉजिक लगाकर हमको बीच वाला संख्या ला देना था, तो उसी प्रकार से अच्छा आपने वहाँ पर तो लॉजिक लगा दिया, दूसरा वाला हम जरा करके दिखा दीजिए। ये देखिए यहाँ पर वही करेंगे 98 प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 64 कर देंगे, जैसे ही जोड़िएगा कितना हो जाएगा 8 4 12 करी 2 हासिल रहा है 1 9 6 15 1 16, ये देखिए 8 4 12 करिए और 2 हासिल 1 9 6 15 1 16, 162 हो जाएगा, 162 में जैसे ही 3 से भागा दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए तो 3 5 क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 15, और हो जाएगा 1 3 5 15 हुआ तो बचेगा 3 6 क्या हो जाएगा दोस्तों 12, हाँ बिल्कुल आ जाएगा 54। देखिए यहाँ पर 54 लिखा है कि नहीं, बिल्कुल लिखा है, तो उसी प्रकार से अब जिसका निकालना है दोस्तों उसका कर दीजिए, इसमें कोई भी बेहिचक करने वाली बात नहीं है, 81 और क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, इसको जोड़ लीजिए धड़ाधड़ जोड़ लीजिए, 6 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा, 7 और 8 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 11 हो जाएगा, लेकिन 6 1 7 8 8 3 11, और इसमें भाग दे देना है दोस्तों 3 से, जैसे ही आप 3 से दे दीजिएगा तो ये देखिए कितना हो जाएगा, तो 3 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा, यानी और हम लोगों का यानी कि 3 9 27 तो 39 बार में कट जाएगा, यानी इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों 39 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न यह दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि बी को ए हो जाए और पी क्यू हो जाए और तो के क्या हो जाएगा, तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर घुमाया है, तो घूमना नहीं है आपको बल्कि प्रश्न को समझना है, यहाँ पर कहने का उसका मकसद है कि बी को उसने ए कह दिया, यानी बी के लिए क्या प्रयोग कर रहा है दोस्तों, ए का प्रयोग कर रहा है, कैसे, तो बी में जैसे ही एक घटा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों एक हो जाएगा, एक लीटर घटाया, उसी प्रकार से पी के लिए उसने क्या प्रयोग किया तो कर रहा है ओ का, तो देखिए पी में जैसे ही एक लीटर ए बी सी डी, अरे पी के पहले क्या होता है ओ होता है, नहीं समझ रहे हैं, उसी प्रकार से कर रहा है के क्या हो जाएगा, तो के पहले हम लोगों का क्या आता है दोस्तों, तो के पहले जो है यहाँ पर देखा जाए जे आता है, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जे आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, एक एक लेटर घटाया था उसने, इंडिकेट करके भी बता दिया कि इसके लिए ये कहा जा रहा है उसके लिए ये कहा जा रहा है, तो के लिए क्या होगा, तो सब में एक एक लेटर, यानी बी अगर ए हो रहा है तो ए बी सी डी में एक लेटर घटाया, पी से यदि ओ हो रहा है तो पी से यदि ओ पे आ रहे हैं तो देखिए ना पी के पहले ही होता है, यानी एक लेटर घटाया है, उसी प्रकार के पहले ही क्या होता है दोस्तों, जे होता है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से, तो देखिए जैसे अगला प्रश्न लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग से, यहाँ पर कह रहा है यदि किसी संकेतिक भाषा में यानी कि इसका कोड इस प्रकार से लिखा है तो उसी प्रकार से इसका कोड कैसे लिखा जाएगा, तो चलिए बताते हैं दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को कैसे आप कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए आई उसके बाद एन उसके बाद लिखा है दोस्तों एफ ओ उसके बाद आर एम, तो देखिए जैसे कि इसका कोड उसने क्या लिखा है, जे लिखा है, ओ लिखा है, उसके बाद लिखा है दोस्तों जी, उसके बाद पी और यहाँ पर एस और क्या लिखा है दोस्तों एन, इसका कोड पूछा जा रहा है, यानी एच है ओ है उसके बाद एन है उसके बाद ओ है यू है और आर है, यानी इसका कोड पूछा जा रहा है तो कैसे करेंगे किस तरीके से होगा, देखिए आई से यदि जे पे एन से यदि ओ पे, इसमें देखिए कुछ ना कुछ लेटर या तो उसने क्या किया है दोस्तों वृद्धि किया है या तो क्या किया है कमी किया है, तो इस प्रकार से आपको सोचना होगा, देखिए कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को यही एक तरीका है करने का, यानी आई से यदि आप जे पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर देखा जाए उसने क्या क्या है प्लस वन किया है, तो देखिए सब में एक एक लेटर आपको क्या करना है प्लस वन कर देना है, एन से यदि ओ पे जाएंगे तो यहाँ भी प्लस वन हो जाएगा, और एफ से यदि आप जी पे जाएंगे तो इसमें भी आप प्लस वन कर देंगे, और ओ से यदि पी पे जाएंगे तो इसमें भी आप क्या कर देंगे दोस्तों प्लस वन कर देंगे, और आर से यदि एस पे आएंगे तो प्लस वन, और एम से एन पे जाएंगे तो प्लस वन, यानी सब में आपको क्या कर देना है प्लस वन और इसमें भी क्या कर देना है प्लस वन, इसमें भी प्लस वन, इसमें भी क्या कर देना है प्लस वन, इस सब में क्या करना है प्लस वन कर देना, यानी एक एक लेटर क्या कर देना है प्लस वन कर देना, तो देखिए एच में जैसे ही एक लेटर कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आई हो जाएगा, ओ में जैसे ही कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा तो ओ के बाद हम लोगों के सामने पी हो जाएगा, एन के बाद हो जाएगा
जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, ओ के बाद क्या हो जाएगा पी, और यू के बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा भी, और आर के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों एस हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है ऐसा, आई उसके बाद देखिए पी आना चाहिए, तो आई उसके बाद ये देखिए इसमें आई के बाद पी नहीं है तो इसको क्या कर देंगे कट कर देंगे, तो आई हो गया पी हो गया, उसके बाद हम लोगों के सामने देखिए ओ आया है तो इसमें ओ है, उसके बाद पी भी एस, तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। देखिए जैसे अगला प्रश्न दिया हम लोगों के सामने, नवा नंबर क्वेश्चन दिया है मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी गणितीय चिन्ह वाले। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न करने का क्या रूल है, यानी यहाँ पर कर रहा है दोस्तों प्लस का अर्थ हम लोगों के सामने क्या लिखा है भाग, उसी प्रकार से माइनस का अर्थ है गुना, और गुना का अर्थ लिखा है प्लस, और भाग का अर्थ जैसे यहाँ पर दिया है इसका आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए करते हैं देखिए किस तरीके से होगा, यानी कि यहाँ पर कर रहा है प्लस का अर्थ हम लोगों के सामने भाग लिखा है, यानी इस जगह पर प्लस के जगह पर आप भाग लिख दीजिए, उसी प्रकार से माइनस का अर्थ लिखा है दोस्तों गुना, तो माइनस के जगह पर आपको लिख देना है गुना, उसी प्रकार से गुना का अर्थ लिखा है दोस्तों प्लस, तो गुना के जगह आप क्या लिख देंगे प्लस लिख देंगे, और भाग का अर्थ लिखा है माइनस, यानी जहाँ कहीं भाग देखेगा तो उसके जगह पर माइनस ले लेना। तो यही एक इक्वेशन दिया गया, तो चलिए इसको कर देते हैं, जैसे कि 45 उसके बाद है प्लस, तो प्लस के जगह पर उसने कहा है भाग लेने के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा भाग उसके बाद माइनस, तो माइनस के जगह पर गुना हो जाएगा, और इस जगह पर 3, और गुना के जगह है हम लोगों के सामने दोस्तों प्लस लेने के लिए कहा है, तो यहाँ पर 15 उसके बाद भाग, तो भाग के जगह पर क्या हो जाएगा माइनस 2। तो चलिए इसको कर देते हैं, तो ये देखिए जैसे सबसे पहले आप जानते हैं कि बोर्डमास में भाग का काम होगा, तो 45 में 9 से भाग दे दीजिएगा तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, और गुना क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 3 हो जाएगा, अब प्लस इधर हो जाएगा हम लोगों का 15, अब माइनस क्या हो जाएगा 2। तो देखिए अब इसको आगे करते हैं, यानी इस स्टेप को आगे बढ़ाते हैं, तो 5 थे यहाँ पर 15, और इधर हो जाएगा दोस्तों 15, तो और यहाँ पर माइनस कर देना है 2। तो देखिए जैसे ही 15 15 जोड़ लीजिएगा तो आपका हो जाएगा हम लोगों के सामने 30, और जैसे ही 2 कर दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, कह रहा है कि श्रृंखला के अनुक्रम को पूरा करें एक सीरीज है, और तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से एक सीरीज दिया गया, और इस जगह पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, तो चलिए बताते हैं देखिए यहाँ पर किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। तो देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है बी, उसके बाद डी, और क्या लिखा है दोस्तों एफ, तो यहाँ पर लिख लिए, फिर कोमा है, यहाँ पर लिखा है के एम, उसके बाद लिखा है ओ, फिर कोमा, उसके बाद लिखा है दोस्तों टी भी, उसके बाद लिखा है एक्स, और फिर कोमा, और इस जगह पर है क्वेश्चन मार्क। तो देखिए कैसे होगा, सबसे पहले आप शुरू लेटर का यहाँ से देखिए, यहाँ से यदि यहाँ पर जाएंगे तो कितना लेटर हम लोगों का ए बी सी डी में गैप है, तो बी से यदि आप के पे जा रहे हैं तो देखिए बी के बाद सी डी ई एफ इस प्रकार से कीजिएगा, तो बी से यदि के पे जा रहे हैं तो आपका 9 लेटर इसमें क्या क्या है प्लस किया है, इस जगह पर क्या क्या है 9 लेटर। उसी प्रकार से के से यदि आप टी पे जाएंगे दोस्तों, के बाद देखिए एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी इस प्रकार से कीजिएगा, तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा 9। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको टी में क्या कर देना है प्लस 9 कर देना है। तो जैसे ही टी में आप प्लस 9 कीजिएगा, जानते हैं कि हम लोगों का जेड तक ही होता है, तो जेड के बाद फिर ए बी सी डी हो जाएगा, तो यानी कि हम लोगों का 26 लेटर ही होता है, तो 26 जेड पर होता है, तो उसके बाद ए बी सी डी होगा, तो इस जगह पर आ जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने सी हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर सी नहीं है, इसमें भी सी नहीं है, इसमें भी सी नहीं है, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सोचना था, बस एक ही लेटर से हम लोगों का आंसर निकल सकता है। तो देखिए और भी आप चेक कर सकते हैं, यदि आप दूसरा लेटर को भी देख सकते हैं, देखिए डी से यदि एम पे जाएंगे तो यहाँ भी हम लोगों के सामने वही काम है, यानी कि 9 किया है, उसी प्रकार से इससे जाएंगे इस पे, तो इस पे भी हम लोगों का प्लस 9 किया, और यहाँ से यदि इस पे जाएंगे तो प्लस 9 हो जाएगा। तो देखिए जैसे ही इसमें 9 कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते थे, लेकिन हम लोगों का आंसर पहले ही निकल गया, तो समय को नष्ट नहीं करेंगे। अगला प्रश्न देखिए हम लोगों के सामने है कि प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति आएगी। तो यहाँ पर जैसे एक प्रश्न चिन्ह दिया गया है और वहाँ पर बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए हम बताते हैं कि कैसे होगा इस तरीके के प्रश्न को और क्या करने से आंसर आ सकता है। तो देखिए जैसे हम लोगों के सामने इसका संबंध इस प्रकार से है, तो उसी प्रकार से इसका संबंध पूछा जा रहा है दोस्तों, क्या करने से हम लोगों का आंसर आ सकता है। देखिए पहले देखिए कि पहला का संबंध दूसरा लिखा है, उसी प्रकार से इसका पूछा जा रहा है। तो एक तरीके से हुआ क्या, यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब लगा दिया, इस प्रकार से क्या लगा दिया है दर्पण प्रतिबिंब लगा दिया, यानी इस फिगर को देखिए जिस प्रकार से तीर का निशान इस प्रकार से है, तो इस प्रकार से है, तो उसी प्रकार से इसको करेंगे तो हम लोगों का किधर से हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए
यानी यहाँ पर जैसे बनाएंगे तो हम लोगों के सामने इस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से इस प्रकार से होगा, और इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस जगह पर एक इस प्रकार से आएगा, तो ऐसा आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर रहे हैं, कोई डी कर दे रहे हैं, तो कोई बी कर दे रहा है, तो कोई ए कर दे रहा है, तो गलत गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करें और क्या करने से हम लोगों का आंसर आ सकता है और किस तरीके से। हम तरीका आपको बता दिए किस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट, इस जगह पर आप देख लीजिए कि यहाँ पर क्या करने से आंसर निकल सकता है। तो देखिए जैसे अगला प्रश्न यह दोस्तों कह रहा है कि दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें, यानी इस फिगर को जब मिरर यानी एक तरीके से देखिए सार्थक क्रम यानी अरेंज करने वाले हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों देखिए कभी नहीं, उसके बाद है कभी कभी, उसके बाद है सामान्यतः, उसके बाद हम लोगों का दिया गया इस जगह पर देखिए यदा कदा, उसके बाद लिखा है हमेशा। इसका कौन सा बनेगा, यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन दिया गया दोस्तों, कैसे करेंगे, सबसे पहले इनमें से कौन सा अरेंज करेंगे जो कि हम लोगों का सही होगा। तो चलिए बताते हैं कि किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें, यानी इस प्रश्न का बताना है कि कौन सा आंसर होगा। देखिए जैसे कभी नहीं, कभी कभी, सामान्यतः, उसके बाद लिखा है दोस्तों यदा कदा और हमेशा। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न को कैसे करेंगे दोस्तों, क्या लॉजिक लगाना होगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन से भी चल सकते थे, लेकिन यहाँ पर बताते हैं कि कैसे होगा। सबसे पहले होगा हम लोगों के सामने हमेशा होगा, यानी इस जगह पर हमेशा आएगा। उसके बाद हम लोगों के सामने हो जाएगा दोस्तों हमेशा के बाद क्या हो जाएगा, सामान्यता हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा हम लोगों का, यानी सामान्यता हो जाएगा। देख लीजिए इस जगह पर आएगा दोस्तों सामान्यता। सामान्यता के बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए किस तरीके से अरेंज होगा। उसके बाद हो जाएगा दोस्तों कभी कभी, यानी इस जगह पर क्या आ जाएगा कभी कभी। कभी कभी के बाद हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का यानी कि यदा। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों कदा हो जाएगा इस प्रकार से। उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों कभी नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा कभी नहीं। तो इस तरीके से आप अरेंज कर सकते थे, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कैसे, तो देख लीजिए हमेशा यानी कि इस तरीके से एक अरेंज करना है। सार्थक क्रम का मतलब होता है कि एक मीनिंगफुल बनाना, यानी कि हमेशा, सामान्यतः, कभी कभी, यदा और कभी नहीं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बस समझ लेना है कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की हम लोगों के सामने दिया है 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें, यहाँ पर बताना है कि इन चारों में से कौन सा एक अलग है, ये बात आपको बताना है। तो चलिए बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा, क्या करने से आंसर आ सकता है। तो देखिए सबसे पहले आपको देखना होता है, यहाँ पर क्या देखना होता है, वर्ग देखना होता है। उसके बाद क्या देखना होता है दोस्तों, घन। अगर ई नहीं मिले तो आप क्या देखेंगे, अभाज्य संख्या देखेंगे। अगर अभाज्य संख्या नहीं है तो फिर आप क्या देखेंगे दोस्तों, सम। और क्या देखेंगे हम लोगों के सामने, विषम देखेंगे। इस प्रकार से आपको लॉजिक लगाना होता है। उसके बाद क्या लगाना होता है दोस्तों, विभाज्यता का नियम। तो इस प्रकार से सारा रूल हम लोगों के सामने दिया गया है। तो बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा, क्या करने से आंसर आ सकता है। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए हम लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये संख्या जो है हम लोगों का सम संख्या है। हम बता दिए ये वाला संख्या क्या हो जाएगा, सम संख्या। बाकी सभी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए 1935 जो है विषम है, 1937 ये सभी हम लोगों का विषम में हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए 1942 से क्या है, सम संख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यानी ऑड यानी विषम का मतलब ये होता है कि इनमें से एक ऑड है, तो कौन सा ऑड हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन जैसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि शब्दकोश में तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द होगा। तो देखिए यहाँ पर बताना है कि शब्दकोश में क्या कर रहा है दोस्तों, तीसरे स्थान पर। तो देखिए इनमें से कौन सा हम लोगों का तीसरे स्थान पर आएगा, तो यही बात आपको बताना है। तो देखिए तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा और किस प्रकार से आएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे दोस्तों, कि इनमें से देखेंगे कि क्या इसमें कौन सा वर्ड हम लोगों का इस प्रकार से है, यानी कि डिक्शनरी में रखना होता है। डिक्शनरी में पहले ए रखते हैं, फिर बी रखते हैं, फिर सी रखते हैं, फिर डी रखते हैं। इस प्रकार से आप क्या करते हैं दोस्तों, जेड तक रखा जाता है। तो जैसे ही जेड तक रखा जाता है, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा उस प्रकार से एक अनुरूप होगा। ये देखिए यहाँ पर डिक्शनरी में रखते हैं, तो जो वर्ड कॉमन है, जैसे देखिए बी ए डबल एल, उसके बाद आई, तो यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक कॉमन हुआ बी ए डबल एल, उसके बाद बी ए डबल एल, बी ए डबल एल, उसके बाद बी ए डबल एल,
इसके बाद देखिए दोस्तों इब्सिडिन क्या आएगा, पहले इसमें ई आ रहा है, इसमें आई आ रहा है, यानी सब में आपको देखना है जो कॉमन हुआ उसके बाद, यानी डबल एल के बाद इसमें आई आया, इसमें किसके बाद हम लोगों के सामने ई आया, इसके बाद हम लोगों के सामने आई आया, इसमें भी आई, तो पहले ई वाला आएगा यानी पहले स्थान पर तो यही आएगा। उसके बाद अब देखिए उस सब में आई के बाद क्या है दोस्तों, यू है, इसके बाद आई के बाद एस है, इसमें भी आई के बाद एस, तो एस के बाद देखिए इसमें टी, इसमें भी टी, इसके बाद इसमें आई, तो आई, आई के बाद इसमें टी, इसमें क्या आ रहा है दोस्तों, सी आ रहा है, तो ये वाला हो जाएगा हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, दूसरे स्थान पर आ जाएगा। उसके बाद देखिए हम लोगों का यानी कि एल के बाद इसमें आई है और आई के बाद देखिए इसमें एस आया, इसमें क्या आ रहा है, यू आ रहा है, तो यानी ये वाला क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने तीसरे स्थान पर आ जाएगा और ये वाला हो जाएगा चौथा, क्योंकि डिक्शनरी का मतलब होता है शब्दकोश में रखने वाला, तो शब्दकोश में जैसे ही रखेंगे तो कौन सा हो जाएगा, उसने यही कहा कि तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा, तो देखिए तीसरा स्थान पर चौथा तो ये वाला आ गया, यानी ये वाला क्या हो गया दोस्तों, चौथे नंबर पर आ गया, तो हम लोगों का तीसरा यही हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कैसे, तो हमने बता दिया कि तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा, तो तीसरे स्थान पर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, ई, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है 15E, 15वां क्वेश्चन, इसके कथन और निष्कर्ष से, तो कई बार इस तरीके के प्रश्न आए और लगभग स्टूडेंट से गलती हो जाता है। यहाँ पर कह रहे हैं कि सभी धनी व्यक्ति जीवन में खुश रहते हैं, तो देखिए कैसे गलती होगा और क्या गलती होगा, कह रहे हैं कि धनी और खुशी का सीधा संबंध है, धन से क्या होता है जीवन में खुशी आती है, तो अब देखिए यहाँ पर गलती क्या होना था और किस तरीके से आपने गलती किया, कि सभी धनी व्यक्ति जीवन में खुश रहते हैं, यानी जितने भी धनी व्यक्ति हैं जीवन में क्या है, खुश है, तो धन और खुशी का सीधा संबंध है, बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि धन और जीवन में क्या है, वहाँ पर दिया गया कि सभी धनी व्यक्ति जो है जीवन में खुश रहते हैं, तो बिल्कुल करा कि धन से जीवन में खुशी आती है, तो ये बात कहना यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि उसने क्या करा है कि सभी धनी व्यक्ति जीवन में खुश, यानी जितना भी धनी व्यक्ति है वो जीवन में खुश रहते हैं, और यही करा है कि धन से जीवन में खुशी आती है, तो ऐसा कहना उचित नहीं होगा, तो केवल एक सही होगा, लेकिन बहुत सारा यहाँ पर अनुभवी कह रहे हैं कि यहाँ पर दोनों आंसर होगा, एक और दो दोनों कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, यहाँ पर केवल निष्कर्ष एक सही होगा, यानी धनी और खुशी का सीधा संबंध है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें, तो विषम का मतलब चार में से तीन समान एक अलग है, तो देखिए अलग अलग टाइप के कभी अंक वाले आते हैं, तो कभी इस प्रकार से लेटर वाले दिए हुए रहते हैं, तो किस तरीके से करेंगे और क्या करने से हम लोगों का आंसर निकल सकता है, तो देखिए यहाँ पर लॉजिक समझना होगा कि क्या करने से आंसर हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इस प्रकार से क्यू से यदि डब्ल्यू बी एस, यहाँ पर देखेंगे पहले अंतर तो कहीं समान नहीं है या कुछ वृद्धि तो इस प्रकार, लेकिन यहाँ पर देखिए बहुत ही अंतर अलग अलग दिया है, जैसे एम से पी टी डी कर दिया है, तो इस प्रकार से क्या करते हैं जब यहाँ पर कुछ जोड़ा नहीं है तो हम लोग दूसरा टाइप में चल जाते हैं, यानी कि दो टाइप से इस तरह क्वेश्चन होता है, एक या तो कुछ जोड़ा गया या तो वृद्धि गया, अगर वो लॉजिक नहीं लगा तो तीसरा हम लोगों यानी दूसरा क्या लॉजिक है दोस्तों, भावेल और कॉन्सोनेंट का, यानी स्वर वर और व्यंजन वर्ण, तो ये देखिए यहाँ पर जो है दोस्तों सारा इसमें क्या है यानी भावेल है, यानी ये क्या है दोस्तों हम लोगों का स्वर वर्ण, यहाँ पर लिख सकते हैं क्या हो जाएगा दोस्तों, स्वर्ण वर्ण, यानी इस प्रश्न का आंसर का इसमें सारा हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, भावेल दिया गया, यानी यहाँ पर सारा हम लोगों के सामने भावेल है, इसीलिए यही वाला क्या हो जाएगा ना, ए ई आई और ओ खाली छोड़ के यू दिया गया, तो सारा इसमें भावेल है, बाकी सभी में वैसा नहीं है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का निशान ऑल प्लस सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू, फिर आप लोगों से अगले पार्ट अगले वीडियो में मुलाकात होगी।